So today I am going to cover introduction of cloud computing and the NIST model. So let us start what it means by cloud computing. So cloud computing kya hai? So cloud computing is a pay per use model. As we know that, as the name suggests that you use the cloud resources and against that use you have to give some payment decided by that cloud provider. Cloud provider gives you the idea that if you use the Linux server for 1 hour, you have to pay 2 rupees. So in this way, cloud provider records, monitors your usage, and against that usage, the cloud provider provides you the bill. And accordingly, you have to give the payment. तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है कि आपको जो भी रिसोर्सेस वो प्रोवाइड करेगा, फिर वो रिसोर्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रहेगा या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रहेगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रहेगा, तो जो भी रिसोर्स हमें क्लाउड प्रोवाइडर से मिलेगा तो उस रिसोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. क्लाउड कंप्यूटिंग फ्री में नहीं मिलेगा आपको. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? पे पर यूज मॉडल. हम यूज करेंगे और जितना यूज किया है उतना हमें पेमेंट देना पड़ेगा. हम पेमेंट किसको करेंगे? क्लाउड प्रोवाइडर. क्लाउड प्रोवाइडर हमें क्या करेगा? क्लाउड रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा. अभी सेकंड लाइन सेज दैट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस. ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस मीन्स जब भी हमारे पास डिमांड रहेगी. जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे लिनक्स सर्वर सीखना है, तो मैं क्या करूंगा कि लिनक्स सर्वर के लिए रिक्वेस्ट मैं क्लाउड प्रोवाइडर के वेबसाइट पे जाके डाल दूंगा कि मुझे लिनक्स सर्वर का उबंटू जो लिनक्स है वो सीखना है और उसके लिए मुझे इतना रैम, इतना प्रोसेसर, इतना स्टोरेज, सब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्लाउड प्रोवाइडर को कि मुझे इस टाइप का लिनक्स सर्वर चाहिए. तो कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा. एज ए यूजर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि इस सर्वर को मुझे इतना रैम चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, प्रोसेसिंग पावर इतनी चाहिए. तो अकॉर्डिंगली क्लाउड प्रोवाइडर कैलकुलेट द चार्जेस एंड जो क्लाउड प्रोवाइडर जो चार्जेस डिसाइड करेगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. तो ऑन डिमांड मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न द थिंग्स. सपोज आफ्टर 1 month मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सीखना है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के लिए फिर क्या होगा, मैं क्लाउड से क्या कर दूंगा, जो लिनक्स सर्वर का रिसोर्स है उसको रिलीज कर दूंगा और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो रिसोर्स है वो मैं क्लाउड के ऊपर जाके क्लाउड प्रोवाइडर को वो रिक्वेस्ट डाल दूंगा और वो यूसेज मैं स्टार्ट कर दूंगा. सो नेक्स्ट मंथ मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के चार्जेस पे करने. अगर मैंने इस मंथ लिनक्स सर्वर यूज किया तो मुझे लिनक्स का जो सर्वर मैंने यूज किया उसके चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे. ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस. हम नेटवर्क से, इंटरनेट से एक्सेस करेंगे जो भी हमें रिसोर्स यूज करना है, एक्सेस करना है, तो वो हम हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, हमारे टैबलेट पे एक्सेस कर सकते हैं, हमारा जो लैपटॉप रहेगा उसमें एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेरा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा उस डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जब भी मुझे डिमांड रहेगी मैं डिमांड दूंगा, मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा क्लाउड सर्वर क्लाउड प्रोवाइडर के साइट पर, वेबसाइट पे, और वो क्लाउड प्रोवाइडर मुझे उस जो भी रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करेगा. और एडवांटेज क्या है, 24/7 मैं वो रिसोर्सेस यूज कर सकता हूँ और मेरा मेरी जो मैं जो सर्विस यूज कर रहा हूँ वो कैसे मॉनिटर करेंगे कि जैसे मैं यहाँ से मेरे कंप्यूटर से यूजर आईडी, पासवर्ड और एनक्रिप्शन, जो भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज है वो यूज करके जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ और क्लाउड जो मेरा लिनक्स सर्वर है उसको स्टार्ट करता हूँ, लिनक्स सर्वर को मुझे स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए मेरे पास बटन रहेगा, राइट क्लिक करके मुझे सिर्फ लिनक्स सर्वर को स्टार्ट करना है तो रिसोर्सेस यूसेज स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे मैं मेरा काम होने के बाद उसको स्टॉप कर देता हूँ उस सर्वर को, तो मेरा क्लाउड यूसेज चार्जेस वहीं पे खत्म हो जाएंगे. मीन्स जितना मैंने काम किया उतना ही मुझे पे करना पड़ेगा. और 24/7 कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे आप उसको यूज कर सकते हो. और इस तरह के कौन से रिसोर्सेस हम क्लाउड से यूज कर सकते हैं,
there are unlimited resources. Some of them are network. Network से मुझे अगर bandwidth लेना है तो bandwidth अगर मुझे concurrently Zoom meeting conduct करनी है 100 user के लिए 1000 user के लिए तो मुझे bandwidth की जरूरत है, network bandwidth की जरूरत है. मुझे security के लिए अगर firewall चाहिए, network firewall, तो network firewall भी मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग से मिल सकता है. अगर मुझे हाई एंड सर्वर चाहिए तो मुझे सर्वर भी मिलेंगे. सर्वर किस टाइप का पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का पार्ट है सर्वर्स. अगर मुझे स्टोरेज, स्टोरेज मीन सपोज अगर मैं किसी कंट्री को विजिट करता हूँ, फोटोग्राफ्स निकालता हूँ और मुझे वो फोटोग्राफ्स मुझे मेरे जो भी फ्रेंड्स है उसमें फॉरवर्ड करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिक्योर स्टोरेज लेना पड़ेगा क्लाउड से. उस स्टोरेज में मैं मेरे सारे फोटोग्राफ्स अपलोड करूंगा और लिंक जनरेट करूंगा और वो लिंक मैं जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स है उनको सेंड कर दूंगा. तो जिनके पास वो लिंक रहेगी वही फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स वो मेरे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं. तो उसके लिए मैंने क्लाउड, कौन सा क्लाउड रिसोर्स यूज किया? स्टोरेज एज ए सर्विस. एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये एप्लीकेशन कैसे है? इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन आप क्लाउड रिसोर्स के ऊपर ही यूज कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन सर्विसेस, समझो वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेस है कि मुझे चेक करना है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेस मुझे मिल सकते हैं. अगर मुझे हर रोज गोल्ड का रेट चेंज होता है तो मुझे वो सर्विस चाहिए, तो मुझे वो सर्विस भी मिल सकती है. मैं वो सब्सक्राइब करूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे पे करना पड़ेगा. तो वो सर्विस कैसे रहेगी? वो एक क्लाउड सर्वर पर रहेगी और वो क्लाउड सर्वर से मुझे वो सर्विस यूज करनी है तो मुझे कुछ चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे. समझो करेंसी रेट चेंज होता है, हर दिन करेंसी कन्वर्जन रेट चेंज होते हैं, तो मुझे अगर वो सर्विस चाहिए तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेस हमें मिलते हैं कि वो क्लाउड सर्वर पे ऊपर रहते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं. तो वो सर्विस अगर मैं क्लाउड से यूज करता हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट करना पड़ेगा. सो रैपिडली प्रोविजन, रैपिडली प्रोविजन मीन्स अगर मैं अगर आज अभी डिमांड डालता हूँ कि मुझे लिनक्स सर्वर चाहिए, डिमांड डालने के बाद मुझे कॉन्फिगर करना पड़ेगा कितना रैम, कितना रोम, प्रोसेसिंग स्पीड कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कैपेसिटी कितनी चाहिए. वो देने के बाद मुझे सिर्फ सबमिट करनी है मेरे रिक्वेस्ट और सबमिट करने के बाद क्लाउड प्रोवाइडर कॉन्फिगर करने के लिए कुछ टाइम लगता है. वो कितना टाइम लगेगा? Within 4 to 5 minutes, my server is ready. तो आपको आपका Linux server ready मिलेगा, आप आपका Linux start कर सकते हैं. Linux जो server है वहाँ पर right click करके मुझे सिर्फ start करना है, मेरा Linux server start हो जाएगा. Start होने के बाद मैं resources use करूँगा और उसके बाद मैं उसको stop करूँगा. और जितने दिन मुझे use करना है वो मेरे इस पर रहेगा और जब भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो रिलीज कर दूंगा. मुझे वो टर्मिनेट करनी है वो सर्विस, तो मैं जैसे ही वो टर्मिनेट करता हूँ तो मुझे जितना यूसेज किया है उतने चार्जेस मुझे पे करने हैं, तो मैं इजीली टर्मिनेट कर सकता हूँ सर्विस. तो रैपिडली प्रोविजन भी जितना जैसे ही मैं डिमांड डालता हूँ तो विद इन फ्यू मिनट्स दैट रिसोर्स इज रेडी विथ मिनिमम मैनेजमेंट एफर्ट्स. कम से कम मैनेजमेंट एफर्ट चाहिए आपको. क्लाउड प्रोवाइडर को कॉल करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लाउड के साइट पर जाना है और आपकी डिमांड आपको डालनी है कि आपको वो यूज करना है. सो मिनिमम मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन. मैं तो कहता हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपको इंटरेक्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. सो दिस इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. द 5 इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें NIST ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है. NIST मॉडल में हम कवर करेंगे कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसने प्रोवाइड की है. तो NIST जो US ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, तो इस NIST ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है विच इज एप्लीकेबल टू क्लाउड कंप्यूटिंग. अभी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है वन बाय वन हम एक देखेंगे स्लोली. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, दो वर्ड है उसमें, ऑन डिमांड और दूसरा वर्ड है सेल्फ सर्विस. ऑन डिमांड मीन्स जैसे मैंने कहा कि इस मंथ मुझे लिनक्स सर्वर सीखना है तो मैं लिनक्स सर्वर की डिमांड डालूंगा और इस मंथ पूरा मंथ मैं लिनक्स सर्वर सीखूंगा. उसके बाद नेक्स्ट मंथ मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सीखना है, तो जब भी डिमांड रहेगी तो वो डिमांड मैं क्या करूंगा, क्लाउड प्रोवाइडर
का जो वेबसाइट रहेगा वहां जाके मेरा रिक्वेस्ट डाल दूंगा, मेरा रिक्वेस्ट प्रोसेस होके तुरंत मैं वो रिसोर्स यूज करूंगा, जितना दिन मुझे रिसोर्स यूज करना है उतना दिन मैं वो रिसोर्सेस यूज करूंगा ऑन डिमांड। जब भी डिमांड रहेगी आप क्लाउड रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर के साइट पे जाके दे सकते हो। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस मीन्स क्लाउड प्रोवाइडर को आपको कॉल नहीं करना है, उसके साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं करना है, सिर्फ उसके साइट पे जाके विजिट करना है। अगर मैं उसके साइट पे जाता हूँ तो डिमांड कैसे डालनी है उनके साइट पे, मेरा जो मुझे जो रिसोर्स चाहिए उस रिसोर्स को कैसे कॉन्फिगर करना है, कितने चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, उस क्लाउड प्रोवाइडर के वेबसाइट को विजिट करना है, वहां पर छोटे छोटे ये रहेंगे, वीडियोज रहेंगे, वहां पर कुछ मटेरियल रहेगा, पीडीएफ फाइल रहेंगे, तो वो आप डाउनलोड करो। इजीली सिंपल साइट रहती है तो आप इजीली वो वहां पर जाके चेक कर सकते हो और आपकी डिमांड विदाउट एनी इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन आप आपकी डिमांड डाल सकते हो। सो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस में आपको आपको खुद होके क्लाउड प्रोवाइडर के साइट पे जाना पड़ेगा, क्लाउड प्रोवाइडर आपके पास नहीं आएगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मीन्स क्लाउड रिसोर्सेस आप किसी भी डिवाइस से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वो डिवाइस कौन सा हो सकता है, वो मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है आपका, या फिर डेस्कटॉप पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है। सो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अलग अलग डिवाइस से नेटवर्क थ्रू नेटवर्क जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्स हम एक्सेस करेंगे। अभी कितने रिसोर्स आप ये कर सकते हो। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रिसोर्स पूलिंग। अभी ये रिसोर्स कैसे हम यूज करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर की साइट्स पे, तो रिसोर्स पूलिंग में क्या कैसे रहता है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी रिसोर्सेस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से यूज करना है तो वो रिसोर्सेस की मुझे क्या करनी पड़ेगी कि चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा रिसोर्स चाहिए। मुझे स्टोरेज चाहिए, मुझे प्रोसेसिंग पावर चाहिए, मेमोरी, नेटवर्क बैंडविड्थ, वर्चुअल मशीन, जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स आप क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हो। और उसके लिए मुझे कुछ किस टाइप का मॉडल यूज करना पड़ेगा, वहां पर जनरली मल्टी टीनेंट मॉडल यूज होता है। और मल्टी टीनेंट मॉडल कब यूज होता है, मोस्टली पब्लिक क्लाउड में। एग्जांपल कैसे मल्टी टीनेंट मॉडल किसको कहते हैं कि मल्टी टीनेंट मॉडल में मल्टीपल कंज्यूमर, जो भी यूजर से मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस वन सिंगल क्लाउड रिसोर्स। एक क्लाउड रिसोर्स एक से ज्यादा लोग यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स पूलिंग, मल्टी टीनेंट मॉडल उसको कहते हैं। मल्टी टीनेंट मॉडल में मल्टीपल लोग एक साथ एक क्लाउड रिसोर्स यूज करेंगे, जनरली वो पब्लिक क्लाउड होता है। तो पब्लिक क्लाउड में मल्टीपल यूजर्स एक साथ क्लाउड रिसोर्सेस अगर यूज करते हैं तो क्लाउड प्रोवाइडर का सिंगल रिसोर्स यूज हो रहा है, मगर कितने यूजर, मल्टीपल यूजर। तो जो पब्लिक क्लाउड रहता है तो उसकी कॉस्ट सबसे कम क्यों रहती है, क्योंकि एक ही रिसोर्स मल्टीपल यूजर यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं हम रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में आप स्टोरेज यूज कर सकते हो क्लाउड से, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, नेटवर्क बैंडविड्थ, वर्चुअल मशीन, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स आप यूज कर सकते हो, पुल कर सकते हो फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। द फोर्थ वन इज रैपिड इलास्टिसिटी। एज द नेम सजेस्ट, इलास्टिसिटी मीन्स हम क्लाउड को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच कर सकते मीन्स क्या है कि मुझे अगर जैसे मैंने कहा कि मैं अगर जूम मीटिंग कंडक्ट करता हूँ तो मुझे बैंडविड्थ चाहिए, तो मैं जूम मीटिंग कब कंडक्ट करने वाला हूँ, आज कंडक्ट करने वाला हूँ, तो मुझे बैंडविड्थ की जरूरत आज ही है, तो मैं आज क्या करूंगा, क्लाउड प्रोवाइडर को डिमांड डाल दूंगा कि मुझे आज इतनी बैंडविड्थ चाहिए, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपको जो भी बैंडविड्थ चाहिए वो आज प्रोवाइड करेगा। अकॉर्डिंगली मैं वो बैंडविड्थ यूज करूंगा और आज के बाद मुझे कल मुझे जूम मीटिंग कंडक्ट नहीं करनी है तो मैं उसको रिलीज कर दूंगा। सो रैपिड इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट कि मैं स्केल इन कर सकता हूँ। स्केल इन मीन्स जो भी मेरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 सर्वर चाहिए, 100 सर्वर चाहिए, 1000 सर्वर चाहिए, तो मैं मेरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज करूंगा और वो
उसको कहते हैं स्केलिंग, और जब भी मेरी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो मैं 1000 से फिर 100, 100 से फिर 10 कंप्यूटर्स पे 10 सर्वर्स पे आ जाऊंगा. सो स्केल इन एंड स्केल आउट, डिक्रीजिंग मीन स्केल आउट, इंक्रीजिंग मीन स्केल इन. सो रैपिड इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद आता है मेजर्ड सर्विसेज. मेजर्ड सर्विसेज में जैसे हमारे घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, एमईसीबी यूज करते हैं, तो एमईसीबी क्या करता है, एक मीटर इंस्टॉल करता है कि वो मॉनिटर करता है कि आपने ट्यूबलाइट ऑन किया, वहां पर वो मीटर में मीटर चेक करेगा कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उतना वो यूनिट उसमें बढ़ जाएंगे. तो सिमिलरली क्लाउड में जैसे क्लाउड सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, जैसे मैं मेरा जो भी स्टोरेज है वो स्टोरेज में जैसे मैं स्टोरेज यूज करता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेव करके रखता हूँ मेरे स्टोरेज डिवाइसेस पे, तो जितने मैं रिसोर्सेस यूज करूंगा उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, वो क्लाउड मेजर करेगा. क्लाउड के पास क्लाउड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स और मॉनिटर एंड रिपोर्ट द यूसेज. जितना मैं यूज कर रहा हूँ तो यूसेज कैन बी मॉनिटर कंट्रोल्ड एंड रिपोर्टेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी रहती है उसमें, वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे आपको. सो मेजर्ड सर्विसेस, मेजर्ड क्लाउड कैसे है, मेजर्ड सर्विसेस है, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा, और उसके आगे से आपको बिल देगा, वो बिल आपको पे करना पड़ेगा. सो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोवाइडेड बाय NIST ऑर्गेनाइजेशन. NIST मॉडल में हम वो देखेंगे. तो क्लाउड सर्विस मॉडल, क्लाउड सर्विस मॉडल का ये डायग्राम ध्यान से देखो कि यहां पर क्या है कि क्लाउड क्लाइंट, क्लाउड क्लाइंट कौन हो सकता है, तुम मैं सब लोग, हम सब लोग जो भी क्लाउड रिसोर्सेस यूज करना चाहते हैं तो वो क्लाउड क्लाइंट होंगे. तो क्लाउड क्लाइंट को क्या करना है, किसी भी डिवाइस, फिर वो मोबाइल एप्लीकेशन, थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट, या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस होगा, और वहां पर क्या रहेगा, ब्राउजर रहेगा. तो क्लाउड क्लाइंट क्या करता है, जो भी क्लाउड रिसोर्सेस है ये रिसोर्सेस, वो क्या करता है कि उसका जो ब्राउजर रहेगा, ब्राउजर में मुझे क्लाउड प्रोवाइडर की साइट का एड्रेस डालना पड़ेगा, उस साइट पे जाना पड़ेगा और क्लाउड रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा. अभी क्लाउड रिसोर्स कौन सा हो सकता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. समझो मुझे मैंने लैपटॉप परचेस किया, उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दी, एमएस ऑफिस मैंने इंस्टॉल नहीं किया, और मुझे वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चाहिए, और मेरे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लाउड का जो माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट अजूर करके क्लाउड है, उस क्लाउड पे जाना है, और क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट 365 करके उनका एक ये है साइट है, उस साइट पे जाना है, और उस साइट में अगर मैं जाता हूँ तो मैं उसको यूजर आईडी, पासवर्ड और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद मैं क्लाउड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, जो भी है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मैं यूज कर सकता हूँ. वो कहाँ, किस में आता है, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. जो भी सॉफ्टवेयर है मुझे वो इंस्टॉल करने की, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे क्लाउड प्रोवाइडर के साइट पे जाना है और वो सॉफ्टवेयर की डिमांड डालनी है, उसके चार्जेस पे करने हैं और वो सॉफ्टवेयर मुझे यूज करना है. ईमेल, प्राइवेट अगर ईमेल मुझे लेना है कि मेरा ईमेल आईडी mahesh.poddar@ims.edu होना चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मुझे लेनी पड़ेगी. वर्चुअल डेस्कटॉप, कम्युनिकेशन, गेम्स, गेम्स ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, दे यूज द क्लाउड रिसोर्सेस हेविली. तो गेम्स, यूजिंग ऑनलाइन गेम इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अभी दूसरा क्या है कि ये जनरली जनरल पब्लिक यूज करती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अभी जो डेवलपर है वो डेवलपर कौन सी सर्विस यूज करते हैं, डेवलपर यूज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अगर मुझे, मैं कंप्यूटर लाता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुझे डेवलपमेंट करना है माइक्रोसॉफ्ट में,
और डेवलपमेंट के लिए मुझे विजुअल स्टूडियो चाहिए, एसक्यूएल सर्वर चाहिए, कुछ डिजाइनिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साइट पे जा सकते हो और वहां से कौन सी सर्विस आपको लेनी है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो आपको वहां पर जाके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अगर आप लेते हो तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और विद इन 10 to 15 minutes मुझे मेरा रेडी प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मैंने लास्ट लेक्चर को भी एक ये कहा था कि लैम्प इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो लैम्प प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या आता है, एल स्टैंड फॉर लिनक्स, ए अपाचे, एम MySQL, पी PHP, पाइथन या पर्ल। तो लैम्प प्लेटफॉर्म लिनक्स अपाचे MySQL एंड PHP, चारों सॉफ्टवेयर का बंच मुझे मिल जाता है एक साथ, उस टाइप के सर्विसेज को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और कौन यूज करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मोस्टली डेवलपर। उसके बाद आती है सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कौन यूज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करेंगे आईटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली आईटी ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उनको बहुत सारे हाई एंड सर्वर्स की जरूरत है उनका डेटा प्रोसेस करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, एक उनके एमएनसीज में एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेस रहते हैं, वो ऑफिसेस का डेटा कैसे क्लाउड पे वो स्टोर करते हैं, सो दैट किसी भी लोकेशन से वो डेटा कोई भी जो ऑथराइज यूजर रहेगा वो यूज कर सकता है। और दोज ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल में तीन क्लाउड सर्विस मॉडल, और ये आप कैसे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर। हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए अगर, या फिर मोबाइल फोन होना चाहिए, तो हम क्लाउड प्रोवाइडर की साइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे हमारा, लॉगिन करने के बाद हमें हमारे पास हमारे हमारे हमको एक डैशबोर्ड मिलेगा, और उस डैशबोर्ड पे हमने क्लाउड से कौन से सर्वर लिए है, क्या क्या सर्विस हम कौन से रिसोर्सेस लिए है, उसकी लिस्ट आ जाएगी। वो हमें सिर्फ राइट क्लिक करके उसको स्टार्ट करना है और काम खत्म होने के बाद उसको स्टॉप करना है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं वो रिसोर्स को, तो आपके डैशबोर्ड में से वो आपकी लिस्ट में से वो चला जाएगा, तो आपको उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है दैट डेट ऑनवर्ड। तो ये हो गया क्लाउड सर्विस मॉडल। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लाउड टाइप्स। अभी ये क्लाउड टाइप्स में उसको क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड टाइप को और एक नाम है, उसको कहते हैं हम डिप्लॉयमेंट मॉडल। और कितने डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं, तो टोटल 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल हमें कवर करने हैं। तो ये 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा है, पहला आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड सोली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देख लो ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि क्लाउड प्रोवाइडर हमें हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है। हार्डवेयर पे उन्होंने और क्या क्या इंस्टॉल किया है, 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके हमें दिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसको दिया हुआ है, एक एंटरप्राइज ए को। तो ये हम क्या कह सकते हैं, 1-to-1। तो 1-to-1 में क्या रहेगा, एक प्राइवेट क्लाउड यूजर कैन एक्सेस सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर्स रिसोर्स। तो क्लाउड प्रोवाइडर ये रिसोर्स किसी दूसरे यूजर को नहीं देगा, इस यूजर को मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन का ये डेडिकेटेड रिसोर्स रहेगा, सेपरेट उसके लिए ही ये रिसोर्स रहेगा। तो जैसे इसमें प्राइवेट क्लाउड में आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि बाकी क्लाउड को क्लाइंट को यहाँ पर एक्सेस नहीं है, आपके आपके डिवाइसेस पर यूज करने की परमिशन नहीं है। और ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। अगर ये आप इट मे एग्जिस्ट ऑन प्रीमाइसेस, अगर प्रीमाइसेस आपके कैंपस में इंस्टॉल करते हैं तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो इंटरनेट आया, मगर यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में
ना जो आपका लैन रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, उस लोकल एरिया नेटवर्क से ये नेटवर्किंग रिसोर्सेस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मगर ऑफ प्रीमाइसेस, आपके प्रीमाइसेस में नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए एंटरप्राइज भी आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। और इंटरनेट यूज करने के बाद आपको कौन सा डेडिकेटेड रिसोर्स दिया है, तो एंटरप्राइज बी के लिए क्लाउड प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, ये रेड कलर का रिसोर्स एलोकेट किया है। तो ये एंटरप्राइज बी को इनका ये रेड कलर का जो रिसोर्स है उनका, तो वो अलॉट हो जाएगा। अगर ये एंटरप्राइज सी है तो उनका जो भी ये थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर का जो रिसोर्स है, ये उनको एंटरप्राइज सी को अलॉट हो जाएगा। और ये रिसोर्स में ये क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे क्लाउड प्रोवाइडर के साइड से, डेटाबेस, एप्लीकेशन, तो फुल फ्लेज सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल जाएगा प्राइवेट क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड में हाईएस्ट सिक्योरिटी, हाईएस्ट चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, और हमारे कैंपस में वो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप, वो फीचर हमें मिल जाता है। अगर हमारे कैंपस से वो बाहर ऑफ कैंपस, ऑफ प्रीमाइसेस हो जाता है तो चार्जेस कम हो जाते हैं। कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड में क्या होगा कि जो भी कम्युनिटी है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर वन सिंगल क्लाउड रिसोर्स। यहाँ पर क्लाउड रिसोर्स कितना है, एक सिंगल क्लाउड रिसोर्स है, और ये सिंगल क्लाउड रिसोर्स तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। टेक द एग्जाम्पल दैट बीपीएचई सोसाइटी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बीपीएच, IMSCDR है उनका, ये किसके पास है, वो आता है बीपीएचई सोसाइटी के अंडर। तो बीपीएचई सोसाइटी के तीन अलग अलग कॉलेज है, पहला है अहमदनगर कॉलेज, ये हमारा IMSCDR, और दूसरा आता है CSRD। अगर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी के अंदर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो सोसाइटी क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन प्राइवेट क्लाउड, दे गो फॉर कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होगा कि तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस है, ऑफिसेस है, तो वो सिंगल क्लाउड रिसोर्स यूज कर सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटी थोड़ी कम रहेगी, मगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मिशन सेम है, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेम है, पॉलिसी सेम है, कंपाइलेंस कंसिडरेशन सेम है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सिंगल रिसोर्स। और यहां पर भी हमें क्या मिलता है कि ऑन प्रीमाइस का फीचर, जैसे कि ये कम्युनिटी क्लाउड आपके समझो अहमदनगर कॉलेज में, वो उसको इंस्टॉल करेंगे हम, और मिस वो हो गया ऑन प्रीमाइसिस, या फिर वो ऑफ प्रीमाइसिस भी हम यूज कर सकते हैं। ऑन प्रीमाइसिस थोड़ा ज्यादा कॉस्ट, ऑफ प्रीमाइसिस कम कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा क्लाउड रिसोर्स के लिए। तो कम्युनिटी क्लाउड के लिए क्या रहेगा कि जो अलग अलग मिस एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑफिसेस है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी क्लाउड प्रेफर कर सकती है। तब एक जैसे मैंने कहा कि न्यू आर्ट्स और उनके बहुत सारे कॉलेजेस है, तो वो एक कम्युनिटी क्लाउड यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट पब्लिक क्लाउड, अभी पब्लिक क्लाउड किसे, एज द नेम सजेस्ट, पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए ये खुला किया हुआ, ये यूज कर, जनरल पब्लिक ये क्लाउड यूज कर सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंटरप्राइज ए, एंटरप्राइज बी, एंटरप्राइज सी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सिंगल क्लाउड रिसोर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा मॉडल हमें यूज करना पड़ेगा, एक सिंगल रिसोर्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन रिसोर्स मेनी यूजर्स, तो इसको कहते हैं मल्टी टीनेंट मॉडल। वन सिंगल क्लाउड रिसोर्स इज एक्सेस बाय मल्टीपल क्लाइंट, मल्टीपल यूजर्स थ्रू इंटरनेट। यहां पर हमें ऑन प्रीमाइस, आपके प्रीमाइसेस में इंस्टॉलेशन का ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल पब्लिक है एक, या एंटरप्राइज एक ए ऑर्गेनाइजेशन यूएस से वो क्लाउड रिसोर्स एक्सेस करेगा, एंटरप्राइज बी इंडिया से करेगा, एंटरप्राइज सी समझो सिंगापुर से यूज करेगा, तो अलग अलग लोकेशन से वो यूज करेंगे। तो एक किसी के प्रीमाइसेस में इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो किसी कंट्री में रहेगा, किसी कंट्री का जो डेटा सेंटर रहेगा, और वहां से हम क्या करेंगे, वो क्लाउड रिसोर्स यूज करेंगे, पब्लिक क्लाउड, मल्टीपल यूजर कैन यूज वन सिंगल क्लाउड, और क्लाउड प्रोवाइडर को एक, उसके पास एक सिंगल क्लाउड ही है, वो सिंगल रिसोर्स ही है, बाकी लोगों को देना है, तो उसकी कॉस्ट
कम हो जाती है, उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो ये पब्लिक क्लाउड चीपर हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। सिक्योरिटी वाइज देखेंगे तो सबसे कम सिक्योरिटी हमें पब्लिक क्लाउड में मिलती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन ऑफ टू और मोर क्लाउड। हमने तीन क्लाउड के एग्जाम्पल देखे, प्राइवेट क्लाउड मोर सिक्योर, पब्लिक क्लाउड लेस सिक्योर, कम्युनिटी एज कम्पेयर टू प्राइवेट थोड़ा सा लेस सिक्योर है मगर पब्लिक क्लाउड से ज्यादा सिक्योर है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं प्राइवेट का कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी का पब्लिक के साथ, या पब्लिक का प्राइवेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो वो होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्स द हाइब्रिड क्लाउड। व्हाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरिंग द हाइब्रिड क्लाउड? उसका आंसर यही है कि हाइब्रिड क्लाउड में हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी? जो पब्लिक क्लाउड रहेगा उस पब्लिक क्लाउड पे आप क्या करो कि जो आपका नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नॉन सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए आप पब्लिक क्लाउड यूज करो। मल्टी टेनेंट मॉडल हम कहते हैं कि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस वन सिंगल क्लाउड रिसोर्स, मल्टी टेनेंट मॉडल। और जो आपका सेंसिटिव ऑपरेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट क्लाउड पे यूज करो। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में 70-30 या 60-40 का कॉम्बिनेशन रहता है कि 30% सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और 40% सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो उसके लिए प्राइवेट क्लाउड, और 70-60% नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके लिए पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ पर कॉस्ट बैलेंसिंग कैसे होता है? तो हाइब्रिड क्लाउड में आपका कॉस्ट बैलेंसिंग हो जाएगा। लेट स्टार्ट द NIST मॉडल। NIST मॉडल किसे कहते हैं? NIST मॉडल के पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि NIST इज वन यूएस ऑर्गेनाइजेशन, वन यूएस एजेंसी। इस एजेंसी का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। दिस NIST इज व्हाट? कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवीजन। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवीजन है। और दिस NIST हैज प्रोवाइडेड द फॉर्मल डेफिनेशन। जो डेफिनेशन उन्होंने दिया वो डेफिनेशन हमने देखा। उसके बाद उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक, 3 सर्विस मॉडल और 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल का लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया। सो दे प्रेजेंटेड वन पेपर एंड इन दैट पेपर दे पब्लिश द 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 सर्विस मॉडल एंड 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल। सो दैट मॉडल इज अगेन मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। वो लेयर कौन से वो देख लेते हैं हम। NIST का पहला मॉडल आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने कहा कि दे हैव पब्लिश्ड द NIST मॉडल इन द जर्नल एंड दे प्रोवाइडेड वन डायग्राम। दैट डायग्राम लुक लाइक दिस। सो दिस NIST मॉडल प्रोवाइडेड सम एसेंशियल, 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। द फर्स्ट वन इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सेकेंड वन इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, द थर्ड वन इज रिसोर्स पूलिंग, द फोर्थ वन इज रैपिड इलास्टिसिटी, फिफ्थ वन इज मेजर्ड सर्विसेस। तो लिस्ट हमने देखा, ये ऑन डिमांड, मेजर्ड सर्विसेस, रैपिड इलास्टिसिटी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये फुलफिल करना है। उसके बाद सर्विस मॉडल। सो क्लाउड सपोर्ट्स 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन 3 सर्विस मॉडल। दिस सर्विस मॉडल सर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, दिस प्रोवाइडर आर लायबल टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स, एज अ सर्विस टू द क्लाउड यूजर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जनरली जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करती है, डेवलपर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं, और आईटी, नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर से यूज करते हैं। और जो लास्ट लेयर उन्होंने पब्लिश किया था उनके पेपर में, वो लास्ट लेयर है डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या है कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड
then community cloud, and lastly hybrid cloud. So hybrid cloud is combination of public and private, private and community, or community and public. So hybrid cloud last mein aata hai. So public cloud less secure, private cloud more secure. Hybrid cloud is again combination of two cloud, and community cloud similar organization having similar requirement. Agar organization hai unke alag alag offices hai to wo community cloud use kar sakte hai kyunki unki requirement same rehti hai. So this is what the NIST model proposed by the NIST organization. So today I am covering this much only.